हेलो व्यूअर्स, अनबॉक्सिंग में आप सबका स्वागत है और मैं हमरान। आज मेरे पास मुझे रिवाइज ये है वीवो V40 Pro 5G स्मार्टफोन। जी दोस्तों, इंडियन मार्केट में वीवो ने V सीरीज में वीवो V40 Pro 5G स्मार्टफोन को इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दिया है। तो आज इस वीडियो में इसी वीवो V40 Pro 5G स्मार्टफोन को करेंगे अनबॉक्सिंग, जानेंगे इसी स्मार्टफोन के बारे में डिटेल्स में, फोन की स्पेसिफिकेशंस, प्राइस और इस स्मार्टफोन को अनबॉक्सिंग करके ऑनेस्ट रिव्यू रखेंगे। तो गाइस, वीडियो को अपन तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को तक सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे दिए गए व्हाइट बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर कर देना। और चलिए फिलहाल इसी वीवो का एक ब्रांड न्यू स्मार्टफोन जो वीवो V40 Pro 5G स्मार्टफोन है, इसे अनबॉक्स करते हैं। और ये रहा दोस्तों Vivo V40 Pro 5G स्मार्टफोन के बॉक्स, कुछ इस तरीके से नजर आता है। बड़े अक्षर में यहाँ पे Vivo V40 Pro को इंजीनियर्ड विद साइज, और Vivo का 10 साल कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे 10 इयर्स यहाँ पे लिखा गया है। और ये जो स्मार्टफोन है बेहतरीन फीचर्स के साथ में, काफी अच्छा खासा फीचर्स के साथ में इंडियन मार्केट में इस स्मार्टफोन को लॉन्च किया गया है। और Vivo V सीरीज में इस बार Vivo V40 एंड Vivo V40 Pro को इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दिया है। और आज इस वीडियो में हम Vivo V40 Pro 5G स्मार्टफोन को अनबॉक्सिंग करेंगे, जानेंगे इसी स्मार्टफोन के बारे में डिटेल्स में। और कुछ इस तरीके से बड़े अक्षर में Vivo V40 Pro चारों ओर यहाँ पे लिखा हुआ मिलता है। 8GB रैम, 256GB रोम वेरिएंट के साथ मेरे पास ये स्मार्टफोन है। और जो कलर है वो है गैंग्स ब्लू कलर। इसमें डिवाइस में अलग अलग कलर है, गैंग्स ब्लू, टाइटेनियम ग्रे और मूनलाइट व्हाइट। और चलिए फिलहाल इसी Vivo V40 Pro 5G स्मार्टफोन को अनबॉक्स यहाँ पे कर लेते हैं। और जैसे ही बॉक्स को ओपन करते हैं, ऊपर यहाँ पे हमें फोन दिखाई देता है Vivo V40 Pro गैंग्स ब्लू कलर में, काफी इंटरेस्टिंग कलर है, दिखाऊंगा। चलिए बाकी क्या कुछ यहाँ पे कंटेंट बॉक्स के अंदर दिया गया है देखते हैं। यहाँ पे देखिए IMEI स्टिकर वगैरह प्रोवाइड कर दिया गया है। ये है एक ट्रांसपेरेंट केस कवर, बढ़िया केस कवर दिया गया है। यहाँ पे Vivo की तरफ से कुछ रिकमेंडेशन दिया गया है। ये है एक टाइप ए टू टाइप सी केबल, और इसी केबल के अलावा इसी बॉक्स के अंदर यहाँ पे हमें सिम इजेक्टर भी देखने को मिल जाता है। एंड आखिरकार ये रहा दोस्तों 80W का एक Vivo का फ्लास्ट चार्जर। तो ये सभी बॉक्स कंटेंट बॉक्स के अंदर दिया गया है। अब चलिए स्मार्टफोन को देखते हैं। ये रहा दोस्तों ब्लू कलर में Vivo V40 Pro, कुछ इस तरीके से खूबसूरत लुक्स एंड डिजाइन के साथ में Vivo की तरफ से अमेजिंग दिखने वाला बहुत ही बढ़िया लुक्स के साथ ये स्मार्टफोन। स्मार्टफोन की बैक बॉडी में जो डिजाइन दिया गया है बहुत ही ज्यादा कूल लग रहा है देखने में, कुछ इस तरीके से पेंट किया हुआ है ऐसा लग रहा है, और Vivo का ब्रांडिंग साथ में है। इसके अलावा यहाँ पे बैक बॉडी में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है Zeiss का ब्रांडिंग के साथ में, जो कैमरा लेंस है Zeiss के कोलैबोरेशन में Vivo ने कैमरा लेंस दिया है। और यहाँ पे ऑरा लाइट भी प्रोवाइड कर दिया गया है। देखिए किस तरीके से कैमरा मॉड्यूल है, काफी अट्रैक्टिव लग रहा है देखने में इसी स्मार्टफोन की जो कैमरा मॉड्यूल है। मुझे तो खास करके स्मार्टफोन की जो कलर है, बैक डिजाइन है, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा ग्लास बैक बॉडी के साथ में। इसी स्मार्टफोन बैक बॉडी है और कैमरा मॉड्यूल खास करके काफी अच्छा डिजाइन के साथ में इस बार Vivo ने दिया है। काफी अट्रैक्टिव लुक्स डिजाइन मुझे लगा। आपको इसी स्मार्टफोन की फर्स्ट लुक फर्स्ट इंप्रेशन कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइए। कर्व अब बैक बॉडी के साथ में ये स्मार्टफोन आता है। डिवाइस की वेट काफी कम है, 192 ग्राम इस फोन की वेट है, इसलिए यहाँ पे कम बोल रहा हूँ क्योंकि डिवाइस में 5500 मिली एम्पियर का बैटरी दिया गया है, 5500 उसके बावजूद भी यहाँ पे 192 ग्राम वेट दिया गया है, काफी कम एंड काफी थिन डिवाइस है 7.6 mm थिकनेस के साथ। ये तो लुक्स डिजाइन बिल्कुल डिवाइस के काफी बढ़िया है और काफी अट्रैक्टिव कलर के साथ में ये स्मार्टफोन है। और गैंग्स ब्लू कलर के साथ में यहाँ पे ग्लॉसिनेस डिजाइन ग्लास फिनिश बैक बॉडी में दिया गया है, ग्लास बैक बॉडी के साथ ये स्मार्टफोन। और इसी डिवाइस में हमें IP68 और साथ में IP69 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट दिया गया है। अप टू 1.5 मीटर के पानी में 30 मिनट तक आप रख सकते हो डिवाइस को, कुछ नहीं होगा। तो काफी अच्छी बात है क्योंकि इसमें आपको IP68 और IP69 दोनों ही मिल रहा है। वैसे मैं आपको इसी स्मार्टफोन की फर्स्ट लुक फर्स्ट इंप्रेशन लुक्स डिजाइन बिल्कुल अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज नीचे दिए गए व्हाइट बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। और चलिए डिवाइस के बाकी फिजिकल ओवरव्यू देख लेते हैं। बैक बॉडी की तरफ हमने देखा है ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप, साइज का ब्रांडिंग, ओवरऑल लाइट और साथ में यहाँ पे Vivo का ब्रांडिंग। और डिवाइस के लेफ्ट हैंड साइड में वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन, पावर बटन, और डिवाइस के नीचे की तरफ स्पीकर ग्रिल, टाइप सी पोर्ट, माइक्रोफोन और सिम ट्रे दिया गया है। एंड डिवाइस के चलिए ऊपर की तरफ यहाँ पे देखते हैं, ऊपर की तरफ यहाँ पे नॉइज कैंसिलेशन माइक्रोफोन एंड IR ब्लास्टर प्रोफेशनल पोर्ट्रेट ये सभी मेंशन किया गया है। तो लुक्स डिजाइन बिल्ड क्वालिटी हमने यहाँ पे देखा है। फ्रंट कर्व है इसी स्मार्टफोन की, बैक भी कर्व है। अब चलिए इसी स्मार्टफोन की बाकी फीचर्स के ऊपर बात कर लेते हैं क्या कुछ स्मार्टफोन में दिया गया है। चलिए सबसे पहले इसी Vivo V40 Pro 5G स्मार्टफोन को ऑन करते हैं एंड इसी डिवाइस के डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं। अब Vivo 5G और इसी स्मार्टफोन में जो डिस्प्ले दिया गया है कर्व शेप में, इसी स्मार्टफोन में डिस्प्ले प्रोवाइड कर दिया गया है। जी हाँ, यहाँ पे 3D कर्व शेप में यहाँ पे डिस्प्ले नजर आ रहा है पंच होल कैमरा के साथ में, काफी एक खूबसूरत कलरफुल डिस्प्ले यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया गया है।
है और वीवो की तरफ से इसी वीवो वी 40 प्रो 5G स्मार्टफोन में जी हाँ डिवाइस में एमोलेड स्क्रीन दिया गया है, इसके लिए इतना कलरफुल यहाँ पे डिस्प्ले नजर आ रहा है। 6.78 इंचेस का एमोलेड स्क्रीन है, 1 बिलियन कलर से HDR 10 प्लस सर्टिफाइड इसी स्मार्टफोन की डिस्प्ले है और 120 हर्ज रिफ्रेश रेट के साथ में इसी स्मार्टफोन की डिस्प्ले है, जो ब्राइटनेस है पीक ब्राइटनेस काफी अच्छा है, 4500 निट्स टाइप का यहाँ पे पीक ब्राइटनेस इसी स्मार्टफोन में दिया गया है। धूप में स्मार्टफोन को लेके जाने के बावजूद भी यहाँ पे एक ब्राइट डिस्प्ले नजर आता है। ये देखिए दोपहर का वक्त है और बाहर कड़ी धूप है, उसके बावजूद भी यहाँ पे डिस्प्ले क्वालिटी किस तरीके से नजर आ रहा है। तो मुझे खास करके इसी स्मार्टफोन की जो ब्राइटनेस है वो काफी अच्छा लगा। बाहर धूप में लेके जाओगे स्मार्टफोन को चलाओगे तो यहाँ पे ब्राइट डिस्प्ले नजर आएगा वीवो वी 40 प्रो 5G स्मार्टफोन में, और काफी पतला पतला यहाँ पे वेजल नजर आ रहा है। 89.9% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है और जो रेजोल्यूशन है फुल HD प्लस रेजोल्यूशन 1260x2800 का पिक्सल्स दिया गया है। जी हाँ 1260x2800 का पिक्सल्स है, 453 PPI डेंसिटी रखा गया है। तो ओवरऑल देखा जाए बेहद अच्छा क्वालिटी का डिस्प्ले है और आपको बढ़िया एक्सपीरियंस मिलेगा इसी वीवो वी 40 प्रो 5G स्मार्टफोन की डिस्प्ले में। कमाल के डिस्प्ले यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया गया है, मुझे खास करके बहुत ही ज्यादा पसंद आया है। अब चलिए परफॉर्मेंस के ऊपर बात करते हैं। इसी स्मार्टफोन में 8GB रैम है, साथ में एडिशनली यहाँ पे 8GB रैम दिया गया है और डिवाइस में 256GB रोम है। उस समय डिवाइस में अलग अलग हमें वेरिएंट देखने को मिल जाता है, मेरे पास 8GB 256GB वेरिएंट है, इसके अलावा डिवाइस में 12GB एंड 512GB रोम वेरिएंट देखने को मिल जाता है, यानी दो अलग अलग वेरिएंट एंड दो अलग अलग प्राइस रेंज के हिसाब से ये डिवाइस मार्केट में अवेलेबल है, यानी 8GB रैम 256GB रोम वेरिएंट और 12GB रैम 512GB रोम वेरिएंट। तो कमाल है, अगर आप 12GB 512GB लेते हो तो आपके लिए काफ़ी दमदार स्मार्टफोन हो जाएगा। और इसी स्मार्टफोन में जो चिपसेट दिया गया है मीडियाटेक का, जी हाँ मीडियाटेक डायमेंसिटी 9200 प्लस 4nm बेस एक ऑक्टाकोर प्रोसेसर है, मीडियाटेक डायमेंसिटी 9200 प्लस 3.35 GHz क्लॉक स्पीड के साथ में ये एक ऑक्टाकोर प्रोसेसर है। जी हाँ मीडियाटेक का ये जो चिपसेट है डायमेंसिटी 9200 प्लस गेमिंग एंड स्पीड के मामले में काफ़ी बढ़िया रहेगा, एक फ्लैगशिप लेवल का स्मार्टफोन है, उस रेंज के हिसाब से जो चिपसेट दिया गया है मीडियाटेक डायमेंसिटी 9200 प्लस काफ़ी बढ़िया चिपसेट दिया गया है, स्मार्टफोन बहुत ही तेजी तरीके से चलेगा और साथ में गेमिंग के मामले में डिवाइस काफी बढ़िया होगा, हैवी यूसेज के लिए नॉर्मल यूसेज के लिए जैसे भी चलाना चाहे इस स्मार्टफोन को बड़ी ही आराम से आप इस स्मार्टफोन को चला पाओगे। यहाँ पे देखिए 8GB प्लस 8GB रैम है, 256GB रोम है, डायमेंसिटी यहाँ पे 9200 प्लस चिपसेट 3.35 GHz क्लॉक स्पीड के साथ में, एंड्रॉइड वर्जन डिवाइस में 14 दिया गया है, फ्रंट टच ऑपरेटिंग सिस्टम जो वीवो का फ्रंट टच ऑपरेटिंग सिस्टम है वो यहाँ पे लेटेस्ट 14 दिया गया है, एंड डिवाइस में इमोर्टल्स G715MC11 यहाँ पे GPU दिया गया है। तो बेहतरीन चिपसेट यानी बेहतरीन प्रोसेसर के साथ में ये स्मार्टफोन है, लेटेस्ट सभी यहाँ पे एंड्रॉइड वर्जन फ्रंट टच ऑपरेटिंग सिस्टम ये सभी मिल रहा है और ये डिवाइस काफ़ी अच्छा रहेगा खास करके परफॉर्मेंस के मामले में। और इसी स्मार्टफोन के अगर मैं बैटरी के ऊपर बात करूँ तो कमाल की बैटरी इस बार वीवो वी 40 प्रो 5G स्मार्टफोन में दिया गया है। जी हाँ हद ही पार कर दिया इस बार वीवो ने, एक फ्लैगशिप लेवल की स्मार्टफोन स्लिम स्मार्टफोन है उसके बावजूद 5500 mAh का बैटरी इसमें मिलता है, साथ में यहाँ पे 80W फास्ट सपोर्ट, डिवाइस में डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है डिस्प्ले के अंदर। जी हाँ और ये जो टेक्नोलॉजी है पहली बार वीवो ने ही अपने स्मार्टफोन में लाया था और यहाँ पे डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर काफ़ी फास्ट काम कर रहा है और इसके अलावा फेस अनलॉक एंड पिन पैटर्न का ऑप्शन तो अवेलेबल है ही। और इसी स्मार्टफोन की जो फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, खास करके मुझे इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है साइड विंडो फिंगरप्रिंट स्कैनर से या फिर बैक बॉडी, और आपको कैसा फिंगरप्रिंट स्कैनर पसंद है नीचे कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और इसी स्मार्टफोन में हमें जो कैमरा स्पेसिफिकेशन दिया गया है बहुत ही बढ़िया कैमरा यहाँ पे रिजल्ट वाला स्मार्टफोन है गाइस वीवो वी 40 प्रो, क्योंकि इसमें जो प्राइमरी कैमरा दिया गया है 50MP OIS प्राइमरी कैमरा है, अपर्चर है 4.9 के साथ में दिया गया है प्राइमरी कैमरा 50MP 50MP डिवाइस में, और 50MP का कैमरा मिलता है वो भी OIS है यहाँ पे 2x ऑप्टिकल जूम के साथ में 50MP यहाँ पे हमें टेलीफोटो लेंस दिया गया है और डिवाइस में तीसरा कैमरा भी 50MP का है। जी हाँ जो अल्ट्रा वाइड लेंस है 50MP डिवाइस में यहाँ पे 50MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है। कुछ तस्वीरें यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, यहाँ पे देखिए कितना मजेदार यहाँ पे फोटोग्राफी हमें देखने को मिल रहा है। लिटरली मुझे इसी स्मार्टफोन की जो यहाँ पे कैमरा रिजल्ट है आउटपुट है शॉकिंग लगा, इतना बेहतरीन है गाइस। जॉइस के कलेब्रेशन में यहाँ पे जॉइस के लेंस यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया गया है, सेल्फी के मामले में काफी अच्छा डिवाइस है, अपर्चर F2.0 के साथ में यहाँ पे 50MP का सेल्फी कैमरा, रियर कैमरा 50MP, टेलीफोटो लेंस यहाँ पे 50MP, अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस 50MP। तो एक कैमरा सेंटर की स्मार्टफोन है, इस बजट रेंज में काफी कम डिवाइसेस है जिसमें इतना अच्छा कैमरा स्पेसिफिकेशन दिया गया है और रिजल्ट देखिए आप लोग डेफिनेटली काफी पसंद करोगे इस स्मार्टफोन को खास करके कैमरा के मामले में।
4K वीडियो रिकॉर्डिंग तो ऑब्वियसली है ही है इसी स्मार्टफोन के रियर एंड सेल्फी कैमरा के साथ। अगर वीडियो शूट करना चाहते हो 4K के साथ यहाँ पे कर पाओगे। एंड आप लोगों को इसी स्मार्टफोन की कैमरा रिजल्ट कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा गाइस। अब चलिए इसी स्मार्टफोन की प्राइस के ऊपर बात कर लेते हैं, क्या है इसी स्मार्टफोन की प्राइस। इसमें डिवाइस में दो अलग अलग वेरिएंट दिया गया है, तो दो अलग अलग प्राइस रेंज के हिसाब से ये डिवाइस मार्केट में अवेलेबल है। और इसी स्मार्टफोन की जो यहाँ पे 8GB रैम एंड 56GB और रोम वेरिएंट है उसका प्राइस इंडियन मार्केट में रखा गया है 49,999 रुपीज़, यानी ऑलमोस्ट 50,000 का ये स्मार्टफोन है। 50,000 में आपको 8GB 256GB वेरिएंट मिलता है और इसी स्मार्टफोन की 12GB 512GB और रोम वेरिएंट का प्राइस 59,999 रुपीज़, यानी ऑलमोस्ट 56,000 का ये स्मार्टफोन है। जी हाँ, 56,000 में आपको 12GB 512GB मिलता है और आपको 49,000 में 8GB 256GB वेरिएंट मिलता है। तो मुझे तो खास करके ओवरऑल स्मार्टफोन के लुक्स, डिजाइन, बिल्ड क्वालिटी, डिवाइस के कलर, डिवाइस के डिस्प्ले, डिवाइस की चिपसेट, प्रोसेसर सभी बहुत ही अच्छा लगा गाइस प्राइस रेंज के हिसाब से। जी हाँ, 50,000 में काफी अच्छा खासा स्मार्टफोन है वीवो का, वीवो V40 Pro 5G स्मार्टफोन अगर ऑफलाइन मार्केट के हिसाब से देखा जाए। जी हाँ, 50,000 में आपको अच्छा लुक्स और डिजाइन के अलावा यहाँ पे अच्छा डिस्प्ले, 3D कर्व शेप में एमोलेड स्क्रीन दिया गया है, अच्छा ब्राइटनेस के साथ में। जी हाँ, डिवाइस में MediaTek Dimensity 9200 प्लस जैसा पावरफुल 5G चिपसेट प्रोवाइड कर दिया गया है। साथ में यहाँ पे 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा, 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा एंड डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, सभी स्पेसिफिकेशंस कहीं ना कहीं काफी अच्छा दिया गया है। क्या लंबे चलने वाला बैटरी लाइफ यहाँ पे दिया गया है, 5500 mAh बैटरी, साथ में फास्ट सपोर्ट भी दिया गया है 80W का। तो ओवरऑल देखा जाए एक बेहतरीन डिवाइस है वीवो का वीवो V40 Pro 5G स्मार्टफोन। आपको प्राइस रेंज के हिसाब से, स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से ये वीवो V40 Pro 5G स्मार्टफोन कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया नीचे दिए गए बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।